बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक कार्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद हुनैन अब्बास है और आज मेरे साथ तारुफ करवाएंगे मोहम्मद अली असगर। ये एक स्टूडेंट है तो इनके पास आजकल आल्टो है, सुजुकी आल्टो VXL AGS वेरिएंट है। तो इनसे इनकी गाड़ी के बारे में भी पूछते हैं कि कौन सा मॉडल है और कौन सा वेरिएंट है। कौन सा मॉडल है ये? ये है 20 मॉडल 2020 का है। यस। और रजिस्टर्ड भी 2020 है जी। अच्छा, ये आपने किस सन में ली थी? ये हमने ली थी आई थिंक 21 के एंड पे ली थी या फिर अभी स्टार्ट में ली है। इसके 22 कितना अर्सा हो गया आपको वो गाड़ी रखे हुए? तकरीबन 6-7 महीने या शायद इससे थोड़ा सा ऊपर टाइम हो गया। 6-7 महीने आपने ये आल्टो चलाई है? हाँ। तो इसमें आप लॉन्ग पे भी लेके गए हैं या सिर्फ शहर में ही गाड़ी लॉन्ग पे भी? लॉन्ग पे भी लेके गए हैं। तो लॉन्ग पे गाड़ी फ्यूल एवरेज क्या देती है? 22 के अराउंड अबाउट देती है। तो इसकी आप उस वक्त स्पीड कितनी होती है आपकी? 60 की स्पीड पे इतनी देती है, लेकिन मैं जब लेके गया था तब तकरीबन 100 से 110 थी ज़्यादा। यहाँ रोड ख़राब थी, वहाँ आहिस्ता चलाई किसी के साथ। तो ओवरऑल 22 फ्यूल एवरेज आई। अच्छा, ये आप खुद फ्यूल एवरेज वो प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं जो मीटर शो? इधर वाली। अच्छा, मीटर वाली। यस। और शहर में क्या गाड़ी फ्यूल एवरेज देती है? 20 के अराउंड अबाउट। अच्छा, लोगों का एक ख्याल होता है कि 660 cc गाड़ी है तो हाईवे पे जो है ये अंडर पावर होगी। तो आपका क्या ख्याल है, आपने चलाई भी 110 तक तो? नहीं, इतना नहीं फील होता। अच्छा, ये नहीं कि गलत फहमी है? यस, मैंने रेस भी लगाई थी एक मेहरान वाले के साथ। अच्छा, तो काफ़ी इन्जॉय किया था। रेस किसी सेफ जगह पर या? नहीं, उसी तरह रोड पर जाते हुए। अच्छा अच्छा। बाकी गाड़ी की ये सस्पेंशन कैसी है? ये भी फील करवाती है, बड़ी गाड़ी का अपना लेवल है, छोटी गाड़ी सेडान का तो एक और बात होती है। बस यही बात है। आपके पास रही है काफ़ी अर्सा? हाँ जी। तो दो दफ़ा आपने रखी है, तो उससे अगर कंपेयर करें तो मुझे वैगनार ज़्यादा अच्छी लगती है। सस्पेंशन मतलब भी उसकी बेहतर है? हाँ, वो हर लिहाज से इससे काफ़ी बेहतर है। अच्छा, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ड्राइव में भी इससे बेहतर है वो गाड़ी? हाँ, लेकिन मैनुअल का मुझे इतना मज़ा नहीं आता। हाँ, शहर में चलाने के लिए काफ़ी इजी होती है AGS ट्रांसमिशन। अच्छा, आप कह रहे थे कि AGS का एक जर्क आपको भी महसूस होता है? हाँ, वो होता है जब रेसते हैं ना। जब मैं एक बार नई नई आई थी तो मैंने बड़ी रिसर्च की थी इस गाड़ी के ऊपर, तो वो इसका मैंने देख रहा था कि वो यानी कि जो ये ना CVT नहीं है तो जो AGS होती है ना, ये मैनुअल के ऊपर ही इन्होंने एक एक्चुएटर लगाया होता है, उसकी मदद से ये जो है ना गियर शिफ्ट करती है। तो गाड़ी निकल जाएगी मेरे ख्याल आगे। वैसे भी मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं है। होगी सर, तो इस वजह से ना वो इसको एक चलाने का एक तरीका भी है, तो वो अगर आप YouTube पे देखें तो आपको मिल जाएगा काफ़ी इसके ऊपर वीडियो, वो कर लेते हैं साइड पे। गाड़ी आपने कितनी चलाई है? बहुत ज़्यादा नहीं चलाई, 4-5 दफ़ा शहर में चलाई है और एक दफ़ा कब्रिस्तान लेके गया था। अच्छा, बहुत कम इस्तेमाल है यानी आपको? हाँ, बाबा ज़्यादा चलाते हैं। गाड़ी की वैसे अंदर रूम कैसा है, यानी कि कंफर्टेबल है गाड़ी? मेरे हिसाब से कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और पीछे जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं उनका कंफर्ट कैसा है? उनके लिए भी बहुत अच्छी है, मतलब उनकी भी जो है लेग्स वो नहीं आगे लगती सीट्स के मैं साथ। एक दफ़ा आल्टो में बैठा था ना, तो मुझे एक उसमें दो एक शिकायत लगी। एक तो जो उसका थाई स्पोर्ट है वो कम है, यानी कि सीट छोटी है, और पिछली सीट पे इसके हेड रेस्ट नहीं है, वो भी बड़ा रेयर पैसेंजर्स के लिए। वो मसला नहीं है, लेकिन जो सीट बेल्ट्स के लगे होते हैं ना पीछे वाले, वो सीट पे बैठे हैं तो वो लगते हैं। हाँ, तीन पैसेंजर्स अगर बैठे। हाँ, वही। नहीं, दो भी बैठे हैं और थोड़ा इधर उधर हों तो लग जाते हैं। बहरहाल, तीसरे के लिए बहुत मुश्किल है, अगर दरमियान में कोई बैठे है ना उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। और डिगी में कैसी जगह? गुजारा करती है, लेकिन फिर वही छोटी गाड़ी है, प्राइस कम है, तो उस हिसाब से ठीक है। आल्टो की करंट एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है 19,51,000 रुपये है, और जो उसकी ऑन रोड प्राइस है वो तकरीबन 20 लाख के करीब है।